कोई जेठ ना रहे। मैं घूंघट प्रथा के कतई खिलाफ हूँ। यो भर है इनमें बहुत, यो खा गई शाम। मैं लेके भी जाऊंगी, खा के भी जाऊंगी। रात को नींद नहीं आती क्योंकि मैं दिन में सो लेती हूँ। जोड़ी है ही नहीं। सिंगल लोटा भैया, और हमारे पास ना कच्चा ना तौलिया, पर फिर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। मैं घर आया हुआ हूँ और ये बेटा जीतू, रात हो चुकी है। तो आज का व्लॉग हम रात से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसका कपड़ा प्रेस कर ली? ओ हो, देवर जी के कपड़े पे। ओए होए होए, ए जीतू मौत तेरी आ रही है भाई साहब। ए मलूक जी थोल के दे यार, भाभी भाभी ऐसी प्रेस प्रेस कर रहे हैं। मतलब ऐसे करवा रहे हैं। हां ऐसी 50 रुपए में कर लिया। सस्ते में कर दिया था मेरे 50 में एक शर्ट। अच्छा 50 में, बट जोड़ी के 100 ले। हां ले जोड़ी करवाई रहे हैं। अब 50 25 लंबा जोड़ी है ही नहीं, सिंगल लोटा बिना जोड़ी। अच्छा कपड़ा की बात में कर रही तू, लाइफ में जोड़ी की बात कर रही। कपड़े की भी नहीं है वैसे। मैं जी बेइज्जती कर रहा हूं भाई। एक बात बताऊं, बिना व्यवहार कोई जिंदगी ना, कोई जिंदगी ना। रात को नींद नहीं आती है। कहां कैसे रात को नींद नहीं आती? क्या? क्योंकि मैं दिन में सो लेती हूं। और मम्मी मुंह भूखने लगे रोटी खाने के बाद। भैया ऐसे काई मत लगे। ओहो मैं डाइटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, पता तो मैं कैसे मैं रोटी खाके रोटी ना खाऊंगा आज। पूरी रात भूखा रहेगा और पूरी रात भाई साहब सुबह ही देखूंगा आठ रोटी। और सुबह खाली कर दे जो खाया हुआ है। बाबू मम्मी तबीयत ठीक है? चार जाएगी हम मैं चार जाएगी। दो दो जो तो चमक रही है, ये किस चीज का कमाल है? ये भैया सफेद पाउडर, सफेद पाउडर पाउडर नहीं लगाया भाई। तो सोचा था तेरे बारे में लगा 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 जी होते। मैं कुछ नहीं लगाती हूं, मार्च लगा लाग लाग धरा के हम शादी की रखे एक वो दीजिए इसको, हम तो जानो खाए लगा। तो भैया ऐसा कर तो जोतरों की जो शादी में मेकअप का सामान है वो बेच दे। होगा ओए जीतन भाऊ कहां आया है? कोई बेचा वो नहीं है, लाएंगे वो तो अपने के ना। ओ मेरे वाले दिए फ्री हैं तो हां ध्यान रखिए बात की। तेरे नहीं बचवा रहा हूं सब। मैं टेंशन मत तेरे में, अभी तो ध्यान दे वो इस्लाम करना पड़ेगा। देन डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलता हूं। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, और ब्लॉग तो मैं शाम को स्टार्ट कर चुका हूं। सुबह होते ही हम आ गए गांव से लगभग 3 किलोमीटर पूरे के ये सीन हमने देखा। और सब सचिन तो अभी फ्रेश होकर आया वहाँ। झूठ बोल दी, झूठ बोल दी, झूठ बोल दी। अरे कह लो बोतल लेके गए हो भाई। अरे संदीप का कब छोड़ दिया? तो कोई ना है जाए करे। अरे मान ली हम यहाँ नहाएंगे अब। दे यहाँ बोतल ले गो सचिन। देख संदीप यहाँ बोतल लेके हो गया तो परेगा सुधरेगा ना तू, है ना? बाहर भी रह लिया जो। और हमारे पास ना कच्चा ना तौलिया, पर फिर भी जो पैर रखे हम तो नहाएंगे। हम ठीक है फोन है वहाँ धर देंगे और फिर 10 डंड मारेंगे। एक ना लगेगी अब बुढ़ापे में। सपाटे कंपटीशन है, मैं सचिन को वो दिखाएंगे नहीं। हाँ। क्योंकि दोनों यार जाएगी। पता चल जाएगी ना। पता लग जाएगी कितने पानी में। हाँ, नो ये भगवान हंस दे माल मुल्तान मिट्टी लगा ले माटी उठा। संदीप भैया भी हल्दी को घोल झोट का आया। अब मैं भी नहाने जा रहा हूँ। पेट दिखा जी तल। बड़ी खेतन नहाने में बहुत टेढ़ो स्वाद बड़ी। नू समझ ले जैसे मंज के हूँ भाई। नहा के निकल लिया, ऐसे लग रहा जैसे कितनी ठंड सी मैर की। और भाई साहब नहा के ठंड सुन रहे गए भाई साहब। एक जगह से सुन रहे समझ रहे हो? क्योंकि हम भैया अंडरवियर लेके ना। और भैया चल सहरो आलो देखो पहन रखो। पैंट गीली होती जा रही है, जितनी जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ उतना बढ़िया भाई। अब जाएंगे घर, घर से कुछ खाना था ही नहीं, पहले रेडी हो गए हम जा रहे हैं मंदिर। जय बाबा, फेमस मंदिर है स्वामी दयाल बाबा का मंदिर। तीनों वहीं जा रहे हैं। अगर ज्योति या भाभी रेडी मिल गई तो वो भी चल चलेंगे। भाभी कौन सी लगे तेरी? बेटा बहू बेटा।
रिएक्शन लोगों के। भाई देखो बताओ, जैकी बहू को नाम लू तो शर्म सी आवे। अरे यार जेठ है तू, जेठ है तू, कोई जेठ ना रहे। मैं घूंघट प्रथा के कतई खिलाफ हूँ। बहड़िया ने तन सब जुलम पार रहा है, शर्म ना कतई कतई शर्म ना। भाभी मोदे तो बोले है खूब फोन बात कर ले। भाभी केस केस लग फिर कह रहा हूँ समाज में ऐसा करवा। ठीक है भैया, आज हम सचिन की बहू तो बेटी बहू बोलेंगे। तो भैया बेटी बहू अगर तैयार मिली गुड। बेटी बेटी बहू अगर एकदम से संयोजित मिली। अब भाई एक बात समझ में आ गई, तभी होने लेक चलेगी। ऐसे लोग समाज में ना राख मिला के कीड़ा है निकाल दो फोटो के। ये रहा भाई छोरा, भैया को भैया जो भैया प्रदेश में रहे ना, भैया रोहित उनका लड़का है। हाँ भाई अंग्रेजी में बोलेगा। ओ जवान है, वो जवान है, वह है जाग। तेरे ब्याह क्यों दिक्कत ले रहा हूँ, मेरा भी एक साल पहले अभी को रहा हूँ। वो झुल्ली तो बड़ा पतरा है, हूँ हूँ करके। आ भैया, आ जा भैया, ये पेट के दौरा हो बढ़िया। ये तो देख, ए ताली बजा, ताली। मैं हो गया हूँ रेडी, और अभी मैं जीतन और सचिन और आंटी आंटी नहीं मम्मी, सचिन की मम्मी, हम जा रहे हैं सोमजल बाबा के मंदिर। और आज हमें जाना है, पिंकी की जो सासू है उनका ऑपरेशन हुआ है, मतलब हमारी मौसी। बहुत कमेंट्स देखे मैंने, वो बोल रहे हैं कि आप पिंकी की सासू को मौसी क्यों बोलते हो। तो हमारे इधर हरियाणा का ये फरीदाबाद पलवल नोएडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो बहन की सासू होती है उसे मौसी बोलते हैं, और जो बहन का ससुर होता है उसे मौसा बोलते हैं। ओके, मतलब पहले हमारे मौसा मौसी नहीं थे वो, लेकिन शादी होने के बाद हम उनको बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। तो उस चीज़ को माइंड ना किया करो। पिंकी से मिलाते हैं आपको, सीधा चलते हैं मंदिर। ले भाई मंदिर आ गए हम, 1500। मैं सचिन और बहू बेटी बहू बेटी की सास और जीतन। कमेंट करना कौन कौन है आ चुके हैं हमारे आसपास के, तो आ ही चुके होंगे। तरक्की चल रही है। बोल स्वामीदार महाराज की जय। बोल श्री राधे। ये हमारे स्वामी दयाल महाराज हैं जी। आर्मी और पुलिस दोनों साथ न मारी बड़ी भाई, प्रभु की भक्ति में सब कुछ है। अच्छे अच्छे भी धरे कुलदीप आगो। और भाई कुलदीप, हेलो गाइस, भाई साहब अब लुक दिखा दे तुम्हें शीशा। ओ भैया देख, ओ नीचे कौन है, चिचिर चिचिर आवाज आ रही है। संदीप ज्योति याद आवेगी। फिर से अंदर बाबा याद नहीं आया। कम अधेरे हम मंदिर की चार तरफ से बड़ी बहुत ही बड़े विशाल एरिया में फैल रहा है। ये बजरंगी महाराज क्या बनाई हो अपनी? अंगा कहने कही होगी ना, कोई मना इन टेवन अंगा इन टेवन को मना कर जी। तो यहाँ तो ये बनवाने को वहाँ जा रहे हैं, मम्मी धोरे। मम्मी क्या बना रही हो? पूरा घर छोड़ गया पीछे एक बनाई। ये अंगा भाई इधर से ज्योति बना बना दे रही है, और मम्मी इनने फिर यहाँ पे ये है उपला, उपला की आँच है, उस पर सेकेंगे दोनों तरफ से, हैं दोनों तरफ से सेकने के बाद मम्मी इसमें भीतर भोड़ देंगे इन्हें, भूभर में, अच्छा भूभर में घुसा देंगे इन्हें, और फिर इन्हें बाहर निकालेंगी, और फिर ये बने पाएंगे, फिर इन्हें झाड़ लेंगे, फिर घ्योबर है वो इनमें बहुत, फिर इनमें घ्योबर है जाओ, फिर इन्हें ज्योति ज्योति कहाँ ले जाएगी।
ये खा गई शाम मैं लेके भी जाऊंगी खा के भी जाऊंगी और दीदी के वहां से आके खाएंगे दीदी फेवरेट है पूरे दिन खाएंगे भाई रुपया मिल गए पांच अरे ते कद लूट लगता फ्रेंड ले लो भाई अंगा आलू का जग सब्जी दही सूखी मिर्च सूखी मिर्च तो है चुकरी गया भी भाभी लिया भाई उन्हें बापू जाते हैं ये उनका भी तुम छोगे तो अच्छे स्वाद बना रखे हो तुमने रूके खाने में स्वाद आया भाई ये रहे अंगा ना हम तो कहाँ में बनाने मैंने सिखाया हूँ तुम्हें वादन भाई जिस खेत में पिंकी और मेरी शादी हुई थी ना उसमें हमने गेहूँ बो दिए थे वो बड़े हो गए अब इसमें स्प्रे की परसों जीतन ने और इसमें पानी की जरूरत है बढ़िया सुखे हैं खेतन पान लगानो नौकरी के साथ खेती भी बहुत जरूरी है भाई यहाँ से पैप कनेक्ट करेंगे फिर जाएगा हमारे खेत में ओ जीधर पूरा जूम आ रहा तो पहले हाँ तेरे भाऊ ही ना समझ रहा राजस्थान की है ना राजस्थान की मेरी आवे मॉडर्न मम्मी हरी मॉडर्न आजा आजा हाँ जी हम निकल लिए हैं और भाई मम्मी कह रही है कि ज्योति पे गाड़ी चलानी आवे हमारा आगे चलवा जो ज्योति गाड़ी चला रही है और हम जा रहे हैं पिंकी की सासू जी को देखने पिंकी की मम्मी देख रहे हैं चसी तो कर हैंडल चल ज्योति राम 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 तो तू रेस दे जो तू सीख ले इनके भरोसे सीख नहीं ताब है तो ऊपर ने चला दी हाथ में लगाना पड़ा हम और ज्योति चला रही है सबसे मैं पिंकी के ससुराल पहुंचा दिए और ज्योति ओ लहरा ले रही है रुक जा और चला ले था ऊपर एक है बहु चला रही है ज्योति हॉर्न मार ब्रेकर भाग जाओ आगे थे बस रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे वहां तो बढ़िया लाई हॉल बेइज्जती करवा देती नमस्ते बहुत बढ़िया नमस्ते बाबू नमस्ते भाई पिंकी से मिल चुके हम मस्त लग रही हूँ ना मैं पतली है रियत होती कहीं है होती कहीं है ढी रहा है मैं ना बढ़िया है रियत आई आई ये तुम्हारे साथ चलो चलो नमस्ते जी तेरे मन नाम लगा दो नमस्ते जा रही पिंकी का रूम दिखा दियो इस जीतन ने रूम तो बड़ा होता है पिंकी जीतन स्ट्रेट टेबल मंगाइएगा ना नीचे रखी नीचे तो ऊपर ले आए हैं अपने लिए पिंकी ये कौन है नवीन जी पिंकी जी है पिंकी बाल की गंदी कर रखी है करेंगे सब बेइज्जती मत कर देखो पिंकी घर में गंदगी है ना ये आज तो गुलाब हो हरी लो हरी जो तो बहुत बढ़िया आएगी रील बनाओ रुक पे तो है पिंकी का प्रोग्राम पिंकी तुम्हारे खेत है यहीं तो बरसम काटे दीदी यहाँ तक लगा वहाँ तक वो काटा है कहाँ भाई बरसम काटने हमारी जिंदगी तो जी रही है पिंकी हम तो काट रहे हैं बस वो तो घर का ही तो खराब लोग दिखा दे पिंकी का हाउस टूर करा दी पिंकी का होम टूर मैं मनुक लग रही हूँ ना ज्यादा ये हमारी दीदी हमारी चिट्ठानी जी नमस्ते डूटी है मैंने ठीक मौसा जी नमस्ते नमस्ते जी भाई ज्योति मोड़ेगी ज्योति लेगा ही कर 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 चल भाई
जाओगे कार में आओगे अखबार में आ जाओ मम्मी ठीक है जी राम राम जी। पिंकी बैठा मम्मी लेट है रहूं मैं मम्मी जाओ जल्दी रोटी यार भैया यहाँ पकड़ लिया तो भाई ठोक दे यू ही रहेगा रात में बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राम राम। हाँ उतार अम्मा भैंस भूत मर रही है हमारी बेचारी चप्पल जो तो चप्पल कहाँ लाई तू ये भैंसों के साइड की चप्पल अच्छा भैंसों के लिए अलग से चप्पल थे मेरी नहीं है अभी अभी बलम बन जाते रही भाई बिल्कुल लेट हो रहे हैं लेकिन मम्मी बोली खाना खा के जाओ और ये दाल रोटी और हम खा रहे हैं खाना रोटी बना रही मम्मी और ज्योति चल बहुत ज्यादा लेट है ज्योति हम जल्दी खा और जाओ ओ कोई हम फिर हो गए कहां है हां हां कहां ले जाऊं ये पकड़ो मिर्च मिर्च और दूध हो जाए नहीं हम घ्यो सुंदर हां घ्यो है ओ बेटे डिब्बा बंद कर देती कहीं मैं ज्योति चार्जर और ये उठा के ला तू बाहर आ जल्दी आ ठीक है मम्मी नमस्ते ओ मिस सर्दी पड़ रही है पैर पैर रुक जाएगी हां ठीक है मम्मी नमस्ते खुसरा के बाद ओ लो लो जाओ हां ओके ठीक मम्मी ठीक है राम राम मौज ले रोज ले बाय बाय ओ ठोक दी टकार चल आई तो रोटी ना आपसे तो कमी अब उगार लेगी हाँ जी थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए ऐसे व्लॉग आते रहेंगे देखते रहना फेवरेट पार्ट कमेंट करना थैंक यू बाय बाय जय हिंद।